छोटा सा शेयर कर रही हूँ और यहाँ मैं सेक रही हूँ बाटी। वैसे ये लिट्टी चोखा टाइप वाली बाटी है, मुझे वैसे मैं इसको फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और मैंने यूट्यूब से ही देखी थी। तो जब तक ये बाटी ना यहाँ पर सीख रही है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या फीलिंग भरी हूँ और इसको मैंने कैसे बनाई हूँ। यहाँ मैंने ले ली हूँ उबले हुए आलू और चम्मच की हेल्प से हम लोग आलू को अच्छे से कर देंगे मैश। और मैं हाथों की हेल्प से नहीं करूँगी, फिर जो स्टफिंग है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और इसमें फिर ऐड कर दूँगी ग्रीन चटनी, हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च डाल के मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी वही डाल दी। और फिर नमक ऐड कर देना और बस अच्छे से कर देना है हमें इसको मिक्स। और अगर आपके पास धनिया हो ना तो आप धनिया डाल देना, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और बस स्टफिंग रेडी है। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग बाटी के लिए आटा लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ना दरदरा जो मोटा वाला आटा आता है वो ली हूँ बाटी वाला। और फिर मैंने इसमें ऐड की हूँ हल्दी पाउडर, नमक और अजवाइन, और उसके बाद 3 से 4 चम्मच घी। चाहे तो आप तेल भी डाल देना, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर खाने वाला जो मीठा सोडा आता है वो हम लोग डाल देंगे। और फिर दोनों हाथों की हेल्प से हम लोग कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। तो ये तो हुआ बाटी वाला आटा। बट मैंने जो बाटी बनाई हूँ ना वो जो नॉर्मल आटा रोटी वाला आटा होता है वो बच गया था, तो सिंपल सा आटा था। बस उसी की मैंने छोटी छोटी सी ना लोइयां बनाई और उसमें आलू की जो स्टफिंग है ना वो मैंने फिल करके फिर ऐसे राउंड राउंड करके मैंने सारी बाटियाँ बना ली थी। और इस टाइप से हम लोग जो आलू का भरता बोल लो या फिर आलू की स्टफिंग बोल लो वो हम लोग इसके अंदर भर देंगे। और फिर हम लोग इसको कर देंगे बंद और छोटी छोटी सी सारी मैं जो बाटियाँ है ना उसको बना के तैयार कर लूँगी। और यहाँ हमारी जो बाटियाँ है ना वो सिक चुकी है, तो अब हम लोग इसमें लगा देंगे घी। हमारी बन गई है और ये शाम वाली चाय थी। अभी शायद शाम के 5 बज रहे थे और जो भी क्लीनिंग वाला काम था शाम का वो सब कुछ मैंने फिनिश कर दी थी। और जल्दी जल्दी से मैंने फिनिश करी थी क्योंकि मुझे रात में निकलना था, बाहर जाना था मुझे कुछ काम से। तो बस काम मैंने सारा फिनिश कर दी थी और ये हम लोग निकल गए थे जाने के लिए।
रहे थे अमरावती, बट रास्ते में मौसम इतना प्यारा वाला हो रहा था ना, तो हम लोग ने डिसाइड किए कि जो अमरावती के पास वाला जो चिखलदारा हिल स्टेशन है ना, इसको हम लोग घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और सच में जो रास्ता है ना, इतना मस्त वाला रास्ता है। तो रात में तो मैं बाय कार से आई थी, और मैं आई थी मम्मी के घर, फिर वहाँ से हमें जाना था अमरावती, बट फिर रास्ते में ऐसे हमारा डिसाइड हुआ तो फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे चिखलदारा। तो आप बस से भी आ सकते हो, बाय कार से भी आ सकते हो, और बाइक से भी आ सकते हो यहाँ पर। और जो वेदर है ना यहाँ का, वो रेनी सीजन में और विंटर सीजन में बहुत ही प्यारा ऑसम देखने लायक होता है। तो चिखलदारा जाने के बाद बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, और फिर हमें जल्दी निकलना था अमरावती के लिए भी, तो हम लोग बस निकल गए थे वहाँ से। और जो ये वाला रूट है ना यहाँ पर, बहुत ही गंदा वाला जो मोड़ है ना, उस टाइप वाला रूट है ये। तो आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलेंगे, और आपको वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर कुछ घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए थे अमरावती, और उसके बाद जो भी हमारा काम था वो हमने फिनिश करे। और फिर यहाँ पर ना एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, अंबा देवी मंदिर, तो हमने वहाँ पर जाके दर्शन भी किए। बड़ी वाली हो ना, आधी किलो पे। हाफ के जी। और बस हम लोग आ गए थे रिटर्न घर। और फिर ना मैं श्रेयस को लेके नहीं गई थी, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ लेके आना था, तो उसको बहुत टाइम से ना पियानो चाहिए था, तो बस मैंने उसके लिए लेके आई थी पियानो, और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, आप देख सकते हो। फिर से